उदाहरणपुर नाम के गांव में चंपा और चंबेली नाम की दो बहनें रहती थी। चंपा थोड़ी सी समझदार थी और चंबेली भोले वाली। उनके पास एक अंडरग्राउंड ओपन एरिया था, जिसमें वो लोग गर्मियों के मौसम में अपनी गायों और बकरियों को उसमें रखने के लिए बनाया था। लेकिन अब तो सर्दियों का मौसम है, इसलिए वो जगह खाली पड़ी हुई है। कहाँ जा रही हो चंबेली? काफी दिनों से अंडरग्राउंड की सफाई नहीं हुई है, मैं वहीं साफ करने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, तब तक मैं बाजार जाकर आती हूँ। ये कहते हुए चंपा बाजार में चली जाती है और चंबेली सफाई करने के लिए नीचे चली जाती है। उसी गांव में कार्तिक और गणेश नाम के दो बदमाश दोस्त रहते थे, जिन्हें सिर्फ लोगों को परेशान करने में मजा आता था। अब दिवाली है, इसलिए वो दोनों पटाखे लिए बाजार, बस स्टॉप और गलियों में घूमते हुए छोटे बच्चे और बुड्ढों की परवाह किए बिना पटाखे फोड़ रहे हैं। इस वजह से उन्हें बाजार में लोग बातें सुने रहे थे। बदतमीज कही क्या, कदे जैसे बड़े हो गए हो, फिर भी ऐसे हरकतें करते हैं, शर्म नहीं आ रहा है तुम्हें? अगर किसी का दुकान में आग लग गई तो कितने लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, सोचा है कभी? बाजार लोग उन्हें डांट ही रहा था कि इतने में एक पटाखा निकल कर जाकर चंपा के पास फटता है। चंपा उस आवाज से डर जाती है। तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी, गधे के बच्चों। ये कहते हुए चंपा अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर देखा तो अंडरग्राउंड में से धुआं निकल रहा था। वहाँ पर कुछ जले हुए पटाखे और बेहोश पड़ी हुई चंबेली थी। चंपा उसे बाहर निकलकर ले आती है और घर में ले जाकर बिठा देती है। क्या वो कार्तिक और गणेश थे? हाँ, उनकी आवाज से तो ऐसे ही लग रहा था। तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, तुम आराम करो। उन्हें कैसे सबक सिखाना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। ये कहते हुए चंपा वहाँ से चली जाती है। बाजार में पहुंचकर चंपा देर सारे पटाखे खरीदते हैं और जानबूझकर सबसे बात करते हुए जाती है। कैसे हो चाचा जी, दिवाली नहीं मनाना है क्या आपको, जो ऐसी उदास बैठे हो? मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, जितनी दिवाली मनानी थी मैंने मना ली, लेकिन तुम इतने सारे पटाखों का क्या करने वाली हो? पूरे 10,000 के पटाखे हैं चाचा जी, आज तो एक एक का दिवाला निकलना है और सारे वातावरण को बर्बाद करना है। ये कैसे बातें करके चली गई है लड़की? ये कहते हुए चंपा वहाँ से चली जाती है। वहाँ एक दुकान के पीछे खड़े कार्तिक और गणेश उसकी बातें सुनकर। तूने सुना गणेश, पूरे 10,000 के पटाखे हैं और वो सारे हमारे होने वाली है। ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं और उसका पीछा करते हैं। ये दोनों ऐसी हरकत करेंगे, ये बात जानकर ही चंपा जानबूझकर बाजार में सबके सामने बात करके घर पहुंचने के बाद सारे पटाखे अंडरग्राउंड में ले जाकर ऐसे रख कर आती है कि अगर गलती से एक को भी आग लग गई तो सारे पटाखे एक के बाद एक फूटने लगेंगे। इस बात से अनजान शरारती गणेश और कार्तिक चंपा के बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। जैसे ही चंपा वहाँ से बाहर निकलकर घर में जाती है, ये दोनों बंदर तभी अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर चंपा लौट आती है और उस अंडरग्राउंड में एक आग से जल रही मशाल फेंक कर वहाँ से दूर चली जाती है। कुछ ही देर बाद अंदर से पटाखे फूटने लगते हैं और गणेश और कार्तिक की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। शाम के वक्त चंपा और चंबेली आराम से बैठकर बिना आवाज वाले छोटे मोटे सिर्फ रोशनी देने वाले पटाखे जला रहे थे।
तभी वहाँ पर अपने काले चेहरे और फटे कपड़े लेकर गणेश और कार्तिक आते हैं और उनसे माफी मांगकर चले जाते हैं। चंपा, चमेली, हमें माफ कर दो, हम दोबारा कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे, हमें अच्छा सबक मिल गया है। चंपा, चमेली, हमें माफ कर दो, हम दोबारा कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। अब इन्हें क्या हुआ है जो माफी मांगकर जा रहे हैं? पता नहीं, हम अपनी दिवाली मनाते हैं, छोड़ो उन्हें, हमें क्या। वो दोनों सच में उस दिन से बुरी हरकतें करना बंद कर देते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। एकतापुर नाम का एक छोटा सा गांव एक बड़े से जंगल में बसा हुआ था। वहाँ पर लगभग हर कोई धनवान ही था सिवाय एक परिवार के। अर्जुन एक शिकारी है जो जंगल में से छोटे मोटे खाने लायक जानवरों को शिकार करके दूसरे गांव में जाकर बेच कर आता था और उसी से वो अपनी पत्नी और बच्चे का ख्याल रखता था। दिवाली आ रही है, ये बात तो धनवानों के लिए खुशियों का मौका है, लेकिन अर्जुन के लिए देर सारा खर्चा जो वो कभी उठा नहीं सकता। अर्जुन इसी बात से डर रहा था कि पता नहीं कब उसका बेटा पटाखे दिलाने का जिद करेगा। और एक दिन सुबह, पिताजी, गांव में हर बच्चा पटाखे जला रहा है और वो लोग मुझे उनके पास भी नहीं आने दे रहे हैं। वो लोग मुझे चोर और गरीब कहकर वहाँ से भगा दे रहे हैं। ये बात सुनकर अर्जुन काफी दुखी होता है और जैसे तैसे करके अपने बेटे को समझा कर शाम को लौटते वक्त पटाखे लेकर आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है अर्जुन। उसके पिताजी ने पटाखे लेकर आने का वादा किया था, इस बात से खुश होकर अर्जुन का बेटा सारे गांव के बच्चों से ये बात कहता है, लेकिन वो उसकी बात पर भरोसा करने के बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं। अर्जुन का बेटा फिर से दुखी होकर घर लौट कर आता है। यहाँ पर जंगल में अर्जुन को आज एक बड़े से जानवर की तलाश थी जिससे उसे ज्यादा पैसे आएंगे और अपने बच्चे के लिए पटाखे खरीद सके। तभी उसे एक हिरन दिखती है। यही सही रहेगा आज मेरे लिए, कैसे भी करके इसे पकड़ना होगा। ये कहते हुए अर्जुन उस हिरन के पीछे भाग कर जाकर उसे पकड़ लेता है। तभी उस हिरन का एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को ढूंढता हुआ आता है। उसे देखकर अर्जुन, इसका तो एक छोटा सा बच्चा है, मैं इसे मार नहीं सकता हूँ, मैं इसे छोड़कर किसी और को पकड़ लूँगा। ये कहते हुए अर्जुन उस हिरन को छोड़ देता है। तब वो हिरन अपने बच्चे के पास भाग जाती है और अर्जुन को उसके साथ आने का इशारा करती है। लगता है ये मुझसे कुछ कहना चाहती है, इसके साथ जाकर देखता हूँ। ये सोचते हुए अर्जुन उस हिरन के पीछे जाता है। हिरन अर्जुन को एक पेड़ के पास लेकर जाती है। वहाँ पर एक छोटी सी पेटी रखी हुई। अर्जुन उस पेटी को उठाकर ये सोचते हुए खोलता है कि उसमें शायद पैसे भरे होंगे। खोलकर देखा तो उसमें सच में पैसे भरे पड़े थे। अरे वाह, आज का दिन तो काफी अच्छा है, अब बिना किसी जानवर को पकड़े चुपचाप यहाँ से चला जाता हूँ, तुम्हारा शुक्रिया हिरन। ये कहते हुए अर्जुन अपने घर लौट जाता है और बक्से को घर में रखकर मुंह हाथ धोने के लिए चला जाता है। उसके लौटने तक अर्जुन की पत्नी उस बक्से को खोलकर देखती है। ये काली बक्सा कहाँ से उठा कर लाए हो? काली बक्सा? इसे कैसे हो सकता है, इसमें तो ढेर सारे पैसे थे। ये कहते हुए अर्जुन अपनी पत्नी के हाथ से वो बक्सा लेकर देखता है, उसमें एक पैसा भी नहीं था। अर्जुन काफी परेशान हो जाता है और बक्से को घर में ही रखकर पैसे रास्ते में ना गिर गए हो ये सोचते हुए बाहर निकल जाता है।
तभी उसका बेटा घर आता है और उस बक्से को देखकर खुश हो जाता है। लगता है पिताजी ने मेरे लिए इसमें पटाखे लेकर आए हैं। खोलकर देखता हूँ। ये कहते हुए उस बक्से को खोलकर देखते ही उस बक्से में भर कर पटाखे थे। वो देखकर अर्जुन की पत्नी हैरान हो जाती है और अर्जुन लौट आने के बाद उसे ये बात बताती है। इसका मतलब ये बक्सा हमें वही देगा जो हम सोचते हैं। ऐसे बात है तो मुझे ये बहुत बड़ा रॉकेट चाहिए जो मेरा हर बात मानता है। ये कहते हुए उस बक्से को खोलते ही उसमें से सच में एक बहुत बड़ा दिवाली रॉकेट निकलता है जो अर्जुन के बेटे की हर बात मानता था। अर्जुन का बेटा उसके ऊपर बैठ जाता है, इधर उधर उड़ने लगता है और काफी मजे करते हैं। उसे गरीब कहकर सताने वाले सभी बच्चे उसे उड़ती हुई रॉकेट पर देखकर हैरान हो जाते हैं और उसके घर के पास जाकर उन्हें भी उस पर बिठाने की इजाजत देने के लिए कहते हैं। उस बक्से की मदद से अर्जुन भी सबकी तरह धनवान बन जाता है और उसके बेटे को दूसरे बच्चे फिर कभी नहीं सताते थे। सब लोग अच्छे से रहने लगते हैं।